अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा लेसन, ये दूसरा लेसन है वीएफडी का, और इसके अंदर आज हम इनिशियलाइज ऑल द पैरामीटर्स या फैक्ट्री सेटिंग के बारे में हम सीखे हैं, किस तरीके से हम इसको फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करते हैं और किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर सेट करते हैं मित्सुबिशी वीएफडी 500 को। तो ये सिंपल सा हमारा मेथड है आज का, आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें जो मालूम होना चाहिए वो ये कि हम कोई भी नई मशीन पे वर्क कर रहे हों फिर तो ये पैरामीटर को रीसेट करें। पहले कुछ इश्यूज आए हैं, मैंने वीडियोस बनाई हैं तो कुछ साथियों ने हमारे वो पैरामीटर रीसेट कर दिए, फिर उसके बाद अपलोडिंग का जब इशू आया तो वो काफ़ी परेशान हो गए थे। इसीलिए डोंट इरेज द पैरामीटर्स इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मशीन, अगर मशीन पर वर्किंग कर रहे हैं या कोई ख़ास मशीन के पैरामीटर हैं, स्पेसिफ़िक मशीन है, स्पेसिफ़िक पैरामीटर हैं, तो उसको हमने इरेज नहीं करना, बिकॉज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अपलोड द पैरामीटर अगेन अकॉर्डिंग टू द मशीन, क्योंकि मशीन के हिसाब से दोबारा पैरामीटर अपलोड करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़, हम किस तरीके से रीसेट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम मॉड के बटन को प्रेस करेंगे जब तक कि हेल्प अपीयर ना हो जाए। यहाँ पर मॉड का बटन होगा, उसको प्रेस करते जाएंगे अनटिल हेल्प अपीयर, हेल्प अपीयर हो जाएगा। आफ्टर दैट यूज़ अप एंड डाउन बटन अनटिल ALLC ऑल क्लियर अपीयर, तो अप और डाउन के बटन से हम ऑल क्लियर तक पहुँच जाएंगे। और फिर उसके बाद ऑल क्लियर को सिलेक्ट करेंगे और उसको 1 पे सिलेक्ट करेंगे, वो 0 पहले से होगा, उसको 1 कर देंगे फॉर रीसेट ऑल पैरामीटर, तो सारे के सारे पैरामीटर हमारे रीसेट हो जाएंगे। ये सारे काम करने हमने लॉन्ग प्रेस के ज़रिए से, जहाँ भी हम जाएंगे जो भी पैरामीटर को सेट करेंगे तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सारे पैरामीटर हमारे इरेज हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पैरामीटर क्लियर का ऑप्शन दिया हुआ है, इनिशियलाइज द पैरामीटर वैल्यू टू द फैक्ट्री सेटिंग, द कैलिब्रेशन वैल्यूज़ आर नॉट इनिशियलाइज, कैलिब्रेशन वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होंगी, पैरामीटर वैल्यूज़ आर नॉट क्लियर बाय सेटिंग 1 इन पैरामीटर 77। पैरामीटर 77 के अंदर अगर हम 1 को सेट कर देंगे तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी, पैरामीटर राइट डिसेबल का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामीटर PR क्लियर 0, यहाँ पर इसको 1 सेट करेंगे तो सारे के सारे 1.5 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो सारे के सारे पैरामीटर क्लियर हो जाएंगे, फ्लिकिंग करना शुरू होगा, ये दोनों आपस में फ्लिक करना शुरू होंगे, कभी ये आएगा कभी ये आएगा, तो इट मींस के हमारे पैरामीटर सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर हम इस पर आएंगे ऑल क्लियर पर, ये 0 होगा, इसको हम 1 सेट करेंगे और फिर 1.5 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ये ऑल क्लियर हमारा शो होना शुरू हो जाएगा और ये फ्लिकिंग करना शुरू हो जाएंगे, कभी 1 आएगा कभी ऑल क्लियर आएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल से बात और वाजे हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लेसन है, अभी हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ जहाँ आप सीखें किस तरीके से हम करेंगे पैरामीटर को रीसेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा वीएफडी हमारे सामने मौजूद है और इसमें हम आज सेटिंग सीखेंगे किस तरीके से हम पैरामीटर को फैक्ट्री सेटिंग पर लाते हैं और किस तरीके से क्लियर करते हैं। फैक्ट्री सेटिंग करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो वीएफडी है वो ऐसा ना हो, ऐसी मशीन का ना हो जिसमें पहले से कोई ख़ास पैरामीटर वर्क कर रहे हों, तो अगर हम इनको रीसेट कर देते हैं तो फिर उन पैरामीटर को दोबारा करने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी, तो इस वजह से हमें पहले से सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर न्यू मशीन है तो कोई इशू नहीं, हम इसके पैरामीटर को फैक्ट्री सेटिंग पर डिफ़ॉल्ट पर सेट कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट पर सेट करने के बाद फिर हम इसको अपने तरीके से इसके पैरामीटर करके हम इसको वर्क करवा सकते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, कुछ पैरामीटर को चेंज करते हैं जिससे हमें मालूम हो जाए कि हमारे पैरामीटर फैक्ट्री सेटिंग पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट हुए या नहीं हुए। तो मैं इसके अंदर पैरामीटर के अंदर चला जाता हूँ और पैरामीटर 1 में देखता हूँ 120 सेट है, इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है, और सेट के बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ। अब दो पैरामीटर 2 में जाता हूँ तो ये 0 है यहाँ पर, इसको मैं 1 कर देता हूँ, ये 1.01 हो चुका, इसको मैं सेट करने करके ये सेट हो चुका। तो ये दो पैरामीटर हमारे ये हम मैंने चेंज कर दिए हैं। अब मैं इसके सेटिंग को फैक्ट्री सेटिंग पर, इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करता हूँ, तो हम फिर इसके अंदर जाकर देखेंगे कि रीसेट हुए या नहीं हुए। तो फैक्ट्री सेटिंग के लिए हमें
मोड के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जब हेल्प मोड आ जाए, हेल्प लिखा हुआ, तो फिर हम इसको अप डाउन के बटन से, ये देखें आप पैरामीटर क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर सेट करेंगे तो सारे पैरामीटर सेट हो जाएंगे। और अगर हम ऑल क्लियर पर इसको सेट करेंगे तो मींस के पैरामीटर भी क्लियर हो जाएंगे और जितनी सेटिंग इस VFD के अंदर हैं वो भी रीसेट हो जाएंगी फैक्ट्री सेटिंग पर और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएंगी सारी की सारी सेटिंग। तो इसको सेट करने के लिए हमें सेट का बटन एक दफ़ा प्रेस करना पड़ेगा, ज़ीरो को वन करना पड़ेगा और इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। ये देखें, ये फ्लिक करना शुरू हो गया तो मींस के हमारे सारे पैरामीटर रीसेट हो चुके हैं। अब रीसेट हो गए हैं या नहीं हुए उसको हम देख लेते हैं, हमें कैसे मालूम होगा। हम दोबारा से VFD को ऑफ़ करते हैं, उसको फिर ऑन कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमने पैरामीटर चेंज किए थे, पैरामीटर के अंदर हम गए और पैरामीटर 1 को 120 से हमने 110 किया था, 100 किया था। ये आप देख सकते हैं दोबारा से ये 120 आ चुका है, मींस के फैक्ट्री सेटिंग पर सेट हो चुका है। और दूसरा हमारा पैरामीटर नंबर 2 था जो कि हमने 1.01 किया था, ये दोबारा से 0 हो चुका है। इसका मतलब हमारी फैक्ट्री सेटिंग हो चुकी है। ये सिंपल सा तरीका था फैक्ट्री सेटिंग करने का मित्सुबिशी E500 को, E520 को। तो उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।